सर। ठीक है। चलो देन, कल लास्ट जो डिस्कस किए थे हमने वो क्लियर क्या था? लास्ट टॉपिक क्या डिस्कस किए थे कल हमने, इसको याद है? बोलो बेटा, लास्ट वाला कौन सा टॉपिक था? अच्छा, रिवीजन थोड़ा भी की है या एक रिवीजन नॉर्मल नहीं किया बेटा? बोलो, लास्ट टॉपिक क्या हुआ था? नॉर्मल 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 के बाद भी कुछ हुआ था? डायरेक्टर सर्कल। चलो, उसके रिगार्डिंग सिर्फ डिस्कस हुआ था, तो उसमें और कुछ भी रह गया है तो वो वाला आज हम देखेंगे। ठीक है, तो बेसिकली पहले डायग्राम देख लेते हैं। अच्छा, टॉपिक लिखती है चैप्टर नेम सर्कल। ठीक है, चलो तो मान लेते हैं कि ये वाला एक सर्कल है, और दो टेंजेंट अगर ऐसे रहता है कि दोनों आपस में 90 डिग्री हो, ये वाला एक एंड ये वाला एक, दोनों अगर आपस में 90 डिग्री हो जाएगा तो हम बोल सकते हैं कि ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट था, इसका जो लोकस बनता है वही आपका डायरेक्टर सर्कल बन जाता है। हाँ या ना? ये कल ही डिस्कस हुआ था, याद है या भूल गए हो? बोलो बेटा, याद है या भूल ही गए हो? यस ठीक है, इसका इक्वेशन भी लिखे थे हमने कि इफ द इक्वेशन ऑफ सर्कल इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, देन इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल क्या हो जाएगा? किसको मालूम है क्या हो जाएगा डायरेक्टर सर्कल का इक्वेशन? बोलो, देखते हैं किसको मालूम है। बोलो, अगर ये वाला इक्वेशन, मतलब ये जो हमने ये वाला इक्वेशन का, मतलब सर्कल का इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, तो डायरेक्टर सर्कल का इक्वेशन क्या बनेगा? बोलो बेटा, कितना बनेगा? ये तो कल ही दिखाया, लास्ट में दिखाया था ये वाला, इसको ये वाला दिखा के क्लास खत्म कर दिया था मैंने। ये वाला तो जरूरत पड़ेगा, इसके बगैर तो इसके बाद जो टॉपिक है नहीं पढ़ा पाएंगे। बोलो कितना था ये, किसको याद है? किसी को याद नहीं? ये 2R² होता। सॉरी, नॉट दिस इज द थिंग, 2R का होल स्क्वायर हो जाएगा तो 4R² क्यों? मैंने दिखाया था कि जो आपका क्या बनता है, जो रेडियस बनता है इसका, ये √2R बनता है, और ये जो R है, ये R बेसिकली आपका ये वाला है, और डायरेक्टर सर्कल का जो रेडियस होता है, ये छोटा जो सर्कल है उसका रेडियस का √2 टाइम्स होता है, इसीलिए √2 का होल स्क्वायर करोगे तो 2R² बन जाता है। ठीक है, तो ये हमने लास्ट कल ही देख लिया था। तो एक चीज देखो आप इसमें, कि अगर ये वाला जो लाइन है, मतलब मान लो ए बी और सी टेंजेंट है बेसिकली, ए बी और ए सी, तो आप मान लो ए बी का जो स्लोप है दिस इज M1 एंड ए सी का M2, तो ये दोनों के बीच में अगर 90 डिग्री है तो मैं बोल सकता हूँ ना स्लोप का मल्टीप्लिकेशन क्या आ जाएगा? -1 -1, क्योंकि 90 डिग्री पे है सर। ठीक है, ये पहले भी देख चुके थे हम। तो अब देखो, ये जो टेंजेंट है, टेंजेंट का इक्वेशन क्या बनेगा? MX+C के फॉर्मेट में आएगा, तो प्लस हमने देखा था प्लस माइनस सी एक्चुअली वाई MX+C होता है, बट इसका कंडीशन भी लास्ट कल ही देखा था कि क्या होता है। ये जो सी होता है टेंजेंट के केस में, सी के
क्या बन जाता है, प्लस माइनस आर अंडर रूट वन प्लस एम स्क्वायर, हाँ या ना। और इसी को सी में बैठाना पड़ता है, तो ये एक्चुअल में बन जाएगा फिर क्या बनेगा, एम एक्स प्लस माइनस आर इंटू अंडर रूट वन प्लस एम स्क्वायर, हाँ या ना बोलो। और ये यस सर, बेसिकली वाई बन रहा है, वाई मतलब मैं बोल सकता हूँ ये वाला जो ए है या पी मान लेते हैं, एच कमा के है इसका कोऑर्डिनेट। तो आप देखो इसमें कि कोऑर्डिनेट में बैठा कौन है, ये वाला जो कोऑर्डिनेट है इसमें कौन बैठा है कि, और हम लिख रहे हैं ना वाई, तो मतलब ये वाई का वैल्यू ही तो के हो जा रहा है, तो के इक्वल्स टू एम एक्स प्लस माइनस आर अंडर रूट वन प्लस एम स्क्वायर, समझ आया कि नहीं। सर, मैंने क्या यस फिर से बोल देते हैं, ये वाला तो कल ही दिखा कि अगर इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आर स्क्वायर होगा तो इसका डायरेक्ट सर्कल का इक्वेशन बन जाता है टू आर स्क्वायर, सिर्फ रेडियस चेंज होता है, क्योंकि एक्चुअल सर्कल का जो आर होता है डायरेक्ट सर्कल का हो जाता है रूट ओवर ऑफ टू टाइम्स ऑफ आर, मतलब उसी सर्कल का रूट टू टाइम्स होता है उसका रेडियस। इससे हम क्या निकाल रहे हैं, डायरेक्ट सर्कल का इक्वेशन। दूसरा क्या, जो दो टेंजेंट रहता है उनके बीच में एंगल 90 है, तो उन दो टेंजेंट का बेसिकली, टेंजेंट मतलब लाइन है, तो उन दोनों का जो स्लोप है उसका मल्टीप्लिकेशन माइनस वन आएगा, तो भी हमने देख लिया। एंड फाइनली हम देखे कि वाई को स्टेम प्लस जो कि आपका ये लाइन है, तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, टेंजेंट है एक्चुअली, मतलब टेंजेंट का कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। क्या था टेंजेंट का कंडीशन, कि इसके पी इक्वल्स टू आर होता है इन केस ऑफ टेंजेंट लाइन, तो ये वाला अगर सेटिस्फाई करेंगे तो हम सी इक्वल्स टू ए मिल जाता है, जो कि मैंने कल ही दिखाया था, कल या उसके पहला वाला क्लास में दिखाया था ये वाला कंडीशन कैसे आता है, और ये डिराइव भी दिखाया, डिराइव करके दिखाया था। तो इससे मुझे मिल जाता है सी का वैल्यू दिस, एंड यही सी का वैल्यू मैं फिर से इसमें बैठा दिया तो मुझे मिल गया वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस अंडर रूट प्लस माइनस आर इंटू अंडर रूट वन प्लस एम स्क्वायर। और ये वाई मतलब क्या है, ये वाला जो पॉइंट है इसका ही वाई कोऑर्डिनेट, मतलब के, सो वाई की जगह पर के बैठा दिया तो ये आ गया, समझ आया ये वाला। सर ठीक है, अब क्या करेंगे, एम एक्स को लेफ्ट में लाएंगे, के माइनस एम एक्स का होल स्क्वायर, और ये वाला प्लस माइनस आर वन प्लस एम स्क्वायर अंडर रूट। अब अगर बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे तो क्या आ जाएगा, के माइनस एम एक्स है तो बोथ साइड ही स्क्वायर करेंगे, क्यों करेंगे स्क्वायर ये भी बात है, क्योंकि ये प्लस माइनस को हटाना पड़ेगा मुझे, तो हम ये वाला हो जाएगा के माइनस एम एक्स का होल स्क्वायर, ये वाला आर स्क्वायर अंडर रूट हट जाएगा वन प्लस एम स्क्वायर ओनली, हाँ या ना बोलो। यस सर, एंड ये बन जाएगा के स्क्वायर माइनस टू, ये क्या आ जाएगा, अच्छा ये वाला, अच्छा ये वाला देखो एक चीज, ये वाला एक्स नहीं रहेगा, ये वाला एच हो जाएगा, क्योंकि देखो एक्स की जगह पर ये एच है, तो अब एक्स में जगह पर एच बैठा हो, इधर भी एच बैठा दो, इधर भी एच ही बैठा दो, तो ये आएगा टू एच एम एक्स प्लस एम स्क्वायर एच स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर एम स्क्वायर। एंड आप देखो इसमें से क्या हो जा रहा है, के स्क्वायर, अच्छा एम स्क्वायर कहाँ है, ये वाला एम स्क्वायर, ये वाला एम स्क्वायर है, ठीक है, तो इसको एक साइड में लेंगे हम लोग, तो ये वाला को इस साइड ले आओ, तो ये बन जाएगा आपका एम स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर आर स्क्वायर, इधर से क्या हो जा रहा है माइनस टू एच के इंटू एम, और प्लस इधर के स्क्वायर आर स्क्वायर के इधर लाओगे तो इट विल बी के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो, और अगर एम स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा आपका एच स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर माइनस टू एच के इंटू एम प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर दिस इज जीरो। ये वाला थोड़ा जगह कम पड़ गया, इसको थोड़ा लिफ्ट में कर देते हैं, तो दिस इज इक्वल्स टू जीरो जीरो। तो आप देख पा रहे हो टोटल जो चीज है, मैंने इसको एम के क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लिख दिया, एम मतलब क्या था, एम मतलब क्या था, स्लोप था, बात समझ आया आपको। यस सर, एक बार देख लो, किसी को कोई डाउट है तो बेटा बोलो, फिर हम लोग प्रॉब्लम की तरफ जाएंगे। पर एक चीज देखो,
ये जो हमने निकाला ना, ये वाला एम का डिग्री 2 वाला इक्वेशन है, मतलब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 2 एम आना चाहिए। हाँ या ना बोलो। इसीलिए देखो आपका जो वैल्यू है ये एक M1 है, दूसरा वाला M2 है, मतलब ये वाला जो इक्वेशन को सॉल्व करोगे आपको तो आपको 2 M मिलेगा, एक वाला M1 दूसरा वाला M2। इसीलिए देखो दो अलग अलग क्या है, टेंजेंट है। तो हम बोल सकते हैं ना कि अगर M1 M2 क्या है इसका, इफ M1 एंड M2 आर द रूट्स ऑफ दिस, अगर रूट्स हो जाएगा तो बोलो दो रूट का एडिशन कितना होता है और मल्टीप्लिकेशन कितना होता है। हम पहले मल्टीप्लिकेशन दे देते हैं, कितना हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन। फॉर्मूला क्या होता है कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का दो रूट्स अगर अल्फा बीटा होगा तो अल्फा बीटा क्या हो जाएगा, तो बी पुणे मैं बोल रहा हूँ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, अल्फा बीटा दो रूट से। आप जो बोल रहे हो वो अल्फा प्लस बीटा है, और वो बी अपोने नहीं माइनस बी अपोने होता है। मैं पूछ रहा हूँ अल्फा बीटा कितना होएगा, एकदम बेसिक है क्वाड्रेटिक सी का, पुणे सी अपोने। तो ये तो बोलना चाहिए सबको, बेसिक है, एकदम बेसिक है। तो सी कौन है इधर, कॉन्स्टेंट टर्म मतलब के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ए कौन है, एम स्क्वायर का कोएफिशिएंट मतलब एच स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। पर पहले ही हमने निकाल लिया था कि M1 M2 का वैल्यू कितना आ रहा था, -1, मतलब ये टोटल टर्म जो होगा ये इक्वल्स टू जाएगा -1 के साथ। तो के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, मल्टीप्लीकेशन में -1 आएगा। तो ये के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल्स टू -2 एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। और आप देखो ए स्क्वायर को इस साइड लाएंगे तो ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, सॉरी के स्क्वायर, और आर स्क्वायर को इस साइड लाएंगे तो ये प्लस होके जाएगा आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 2 आर स्क्वायर। सो फाइनली बन जा रहा है आपका एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल्स टू 2 ऑफ आर स्क्वायर। यही है आपका रिक्वायर्ड कंडीशन। समझ आया कि नहीं। और इधर से मेरा एक्चुअल में जो हमने कल ही देख लिया था कि किसका डायरेक्ट सर्कल का इक्वेशन क्या था, एज और के को अगर कंसिडर करेंगे, एज को हम करेंगे एक्स एंड के को करेंगे हम वाई, तो आपका इक्वेशन बन जाएगा देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2 आर का स्क्वायर, जो कि आपका डायरेक्ट सर्कल का इक्वेशन है। और ये हमने लास्ट दिन पे सिर्फ दिखाया था कि ये इक्वेशन है, बट कैसे है ये वाला थ्रू, ये आपका जो प्रोसेस है इसके थ्रू हमने प्रूव भी कर दिया कि दिस इज द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट सर्कल। समझ आया कि नहीं, सभी देख लो। सर ठीक है, ठीक है, चलो फिर प्रॉब्लम की तरफ जाएंगे अभी। तो गूगल क्या रहा है, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस, नहीं होगा इसमें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 ax - 2 by प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 0 आर परपेंडिकुलर देन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज व्हाट। तो क्वेश्चन बोल क्या रहा है आपको कि द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू द सर्कल दिस, मतलब इस सर्कल के ऊपर आप ओरिजिन से क्या करोगे, टेंजेंट्स ड्रॉ करोगे। एंड जो टेंजेंट्स ड्रॉ करोगे अगर परपेंडिकुलर, अब परपेंडिकुलर मतलब क्या आ जा रहा है, डायरेक्ट सर्कल का कांसेप्ट आ जा रहा है ना, क्योंकि दो अगर सर्कल दो टेंजेंट अगर एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हो जा रहा है और टेंजेंट भी है, तो मैं बोल सकता हूँ ना डायरेक्ट सर्कल का ही कंडीशन है कि दो टेंजेंट ऐसे रहेगा जो 90 डिग्री में रहेगा, और यही पॉइंट का जो फोकस होता है वही आपका फ्री
होता है, डायरेक्टर सर्किल होता है। हाँ या ना बोलो, तो यस सर। यही वाला चीज को हम यूज कर लेंगे इसमें, ठीक है। तो देखो कैसे करते हैं यूज। पहला बात तो ये जो इक्वेशन दिया है इसको लिख लेते हैं, इसका सेंटर क्या आएगा बोलो, कौन बोल सकता है सेंटर क्या आएगा? -1 क्यों आएगा बेटा, 2a दिख रहे हैं ना हम, तो माइनस ऑफ जी मतलब 2f का वैल्यू है। अगर 2g निकालने जाएंगे तो ये बन जाएगा आपका कितना, 2a, तो g का वैल्यू भी सेफ है, तो -a, 2f का वैल्यू हो जाएगा -2b, f का वैल्यू हो जाएगा -1b, माइनस ऑफ f का वैल्यू हो जाएगा प्लस b, तो ये आपका सेंटर बन जा रहा है। और रेडियस कितना होगा इसका, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस क्या है, माइनस ऑफ बी स्क्वायर, क्योंकि सी का वैल्यू माइनस बी स्क्वायर है, सो अंडर रूट ए स्क्वायर जो कि ये हो जाएगा। मतलब अगर हम ये ड्रॉ करने जाए, ये वाला आपका सर्कल है, और आप मान लो कि जैसे कुछ डायग्राम ड्रॉ किया था ना ऑलरेडी हमने, चलो फिर से कर लेते, कोई नहीं। तो आपके पास दो अलग अलग क्या है, ऐसा है, तो अगर हम बोलेंगे कि यही वाला मेरा क्या है, डायरेक्टर सर्कल बनेगा, देखो ये वाला डायरेक्टर सर्कल बन जाएगा। इस केस में क्या हो जा रहा है, सेंटर कौन बन जा रहा है मेरा, -a,b, मतलब दिस इज -a,b, और मेरा सर्कल का रेडियस कितना है, ए है, मतलब मैं बोल सकता हूँ ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला मेरा ए है। हाँ या ना बोलो, यस और मैं जानता हूँ कि अगर सर, ये वाला ऐसा हो जाएगा तो मेरा सेंटर मुझे मिल गया है और रेडियस भी मुझे मालूम है, तो मैं छोटा वाला सर्कल का इक्वेशन निकाल सकता हूँ। क्या हो जाएगा छोटा वाला सर्कल का इक्वेशन, एक्स माइनस ऑफ x1 मतलब माइनस ऑफ ए माइनस ए प्लस हो जाएगा, प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर होगा। और ये वाला अगर ये है तो मैं बोल सकता हूँ ना, मेरा जो डायरेक्टर सर्कल है उसका रेडियस कितना आएगा, √2 टाइम्स ऑफ ए, मतलब इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल क्या बनेगा, एक्स प्लस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू √2a का होल स्क्वायर, मतलब एक्स प्लस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2a स्क्वायर। फाइनली कितना बन जाएगा इधर से। अब एक चीज देखो, इसमें आपका क्वेश्चन में बोल दिया है चीज कि द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन, मतलब ये जो आप ड्रॉ कर रहे हो टेंजेंट, ये दो ही ओरिजिन है, मतलब ये वाला पॉइंट ओरिजिन है। और आप देखो ओरिजिन, अगर अगर ये वाला डायरेक्टर सर्कल का इक्वेशन है, ये क्या है देखो, इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल लिखा है ना मैंने, मतलब ये वाला इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल, मतलब ब्लू वाला का इक्वेशन है ये वाला। हाँ या ना बोलो, तो अगर 0 0 यस सर, इस सर्कल के ऊपर है तो 0 0 इसको सेटिस्फाई ना करेगा, यस सर, जरूर सर करेगा। तो अगर 0 0 सेटिस्फाई करेगा तो मैं बोलूंगा 0 प्लस a का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस b का होल स्क्वायर इक्वल्स 2a स्क्वायर, एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 2a स्क्वायर, एंड ए स्क्वायर इक्वल्स टू 2a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, सो ये कितना बनेगा, बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, बी स्क्वायर पर राइट में ले जाएंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 0, एंड दिस इज द आंसर। अब देख लो, किसी को कोई डाउट है तो बेटा पूछ सकते हो। अच्छे से एक बार देख लो, फिर और एक प्रॉब्लम देखकर नेक्स्ट टॉपिक में जाएंगे। किसी को दिक्कत है कोई, नो सर। ठीक है।
चल दूसरा प्रॉब्लम देख लेते हैं। ऑप्शन क्या क्या है? क्वेश्चन पढ़ लो सभी एक बार। बोल रहा है कि द लोकस ऑफ ए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स टू द सर्कल दिस, मतलब इस सर्कल के ऊपर जो क्या होगा टेंजेंट का क्या है, इंटरसेक्शन पॉइंट है, व्हिच इंक्लूड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। अभी तो हमने देखा था डायरेक्टर सर्कल में 60 डिग्री नहीं 90 होता है, मतलब ये डायरेक्टर सर्कल वाला तो केस है नहीं, ये 60 डिग्री बोल रहा है दोनों एंगल के बीच का, मतलब दोनों टेंजेंट के बीच का एंगल आपको निकालना है क्या उस पॉइंट का लोकस। अब एक चीज सोचो आप कि आपके पास एक सर्कल है, पहले हम देख रहे थे कि अगर ये वाला दो सर्कल अगर 90 में हो जा रहा था ऐसे और ऐसे, तो दोनों ही केस में, मतलब दोनों ही केस मतलब कि अगर ये वाला 90 हो रहा था दोनों के बीच का, तो ये वाला जो हम डॉट देख रहे थे ये वाला ऐसे ऐसे घुमा घुमा के एक सर्कल मिल रहा था, राइट। अब एक चीज सोचो, ये वाला अगर 90 नहीं होगा ना, ये वाला अगर 90 नहीं होगा, फिर भी अगर आप कुछ और एंगल लोगे, मान लो इस केस के लिए ये वाला 60 डिग्री क्योंकि इस प्रॉब्लम में 60 दिया है, फिर भी आप सेम तरीके से ऐसे दो स्ट्रेट लाइन मतलब दो टेंजेंट लोगे ना जिनके बीच का एंगल 60 है, तो आपको ये सेम चीज ही मिलेगा। सेम चीज मतलब कि आपको एक ऐसे डॉटेड लाइन ही मिलेगा, मतलब एक सर्कल के ऊपर ही वो लोकस जाएगा, मतलब उसका इक्वेशन भी एक सर्कल का इक्वेशन आएगा अगर आप 90 को छोड़े कुछ और से और भी एंगल लोगे तो। मेरा बात समझ आ रहा है? यस सर। मतलब मैं बोलना चाह रहा हूँ कि अगर आप मान लो ये वाला चीज को घुमा दे रहे हो, ठीक है, इसका घुमा दे रहे हो और इसके बीच का एंगल कितना आएगा हम देख लिए कि ये वाला 60, ठीक है। तो ये जो बन रहा था एक्चुअल में ये भी एक सर्किल ही बन रहा था, मतलब कुछ भी एंगल ले लो ये सर्किल ही बनेगा आपका। अब एक चीज सोचो, इसमें ये छोटा वाला सर्किल का इक्वेशन दिया है आपको कितना, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस प्लस टू प्लस फोर, अच्छा माइनस वन, इसका सेंटर कोई बोल सकता है मुझे कितना आएगा? माइनस एक्स माइनस टू कॉमा
माइनस कितना वन आएगा? कॉमा टू माइनस वन का माइनस टू, क्योंकि टू जी का वैल्यू वन और एफ का वैल्यू टू आ जा रहा है, और सेंटर होता है बेटा माइनस जी का माइनस एफ, सो इट विल बी माइनस वन का माइनस टू। मतलब ये वाला जो पॉइंट है ये वाला आएगा सर माइनस वन का माइनस टू। दूसरा चीज देखो इसमें कि अगर ये वाला को हम ऐसे ड्रॉ कर देंगे, ठीक है, और इन दोनों को ऐसे ज्वाइन कर रहे हैं, तो एक चीज, तो टोटल एंगल आपका 90 था, सॉरी यहाँ 60 था, तो ये वाला बीच में से जाएगा, तो ये वाला इंडिविजुअली एक एक 30 बन जाएगा, मतलब दिस इज 30। एंड अब एक चीज देखो, ये वाला तो 90 होगा क्योंकि ये टेंजेंट है, ये वाला 90 होना पक्का है, और ये वाला 30 हो जा रहा है, मतलब ये वाला पक्का से 60 डिग्री बनेगा। ये बात समझ आया सबको? नाम देते हैं इसका, ये वाला मान लो आप पॉइंट पी है, ये वाला सी दिया है मैंने, और मान लो ये वाला आपका ए पॉइंट है। अब मुझे देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि द लोकस ऑफ पॉइंट, मतलब मुझे ये वाला डॉटेड जो सर्कल है इसका इक्वेशन निकालना है। हाँ या ना बोलो? यस तो इसका सर। इक्वेशन निकालने के लिए मुझे पी सी ना चाहिए था। क्यों पी सी क्यों चाहिए सर? क्योंकि पी सी ही तो आपका क्या बन जा रहा है, बड़ा वाला सर्कल, मतलब डॉटेड वाला सर्कल का रेडियस। बात समझ आ रहा है? तो इस चीज को कैसे यूज कर सकते हैं, चलो देखते हैं। पहले हम एसी को निकाल लेंगे। एसी कैसे निकालेंगे, कौन बोल सकता है? एसी है क्या? एसी छोटा वाला सर्कल का रेडियस है, तो रेडियस रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट दिस वन। तो जी का वैल्यू क्या है? माइनस वन का होल स्क्वायर वन, माइनस टू का होल स्क्वायर फोर, माइनस सी। सी का वैल्यू कितना था इसमें? माइनस वन, मतलब माइनस माइनस प्लस वन, सो रूट ओवर ऑफ सिक्स आ जा रहा है क्या? आर का वैल्यू, मतलब ये वाला जो रेडियस आप देख पा रहे हो, दिस इज रूट ओवर ऑफ सिक्स। बात समझ आया सबको? यस सर। अब देखो मुझे ट्राइंगल जो है, ये ट्राइंगल का क्या चाहिए? मुझे पी सी चाहिए। तो अब देखो अगर हम इसको 30 डिग्री मानेंगे तो ये वाला ट्राइंगल को इधर ला रहा है कि दिस इज 30 ए सी पी, मतलब ये वाला ए है, ये वाला सी, ये वाला पी है, और ए सी का वैल्यू दिया है रूट सिक्स, ये वाला वैल्यू आपका रूट ओवर ऑफ सिक्स दिया है। तो मुझे चाहिए क्या? पी सी। पी सी कैसे निकालेंगे बोलो? ये लेंथ जानते हैं और ये एंगल जानते हैं, पी सी कैसे निकाल सकते हैं? बहुत इजी चीज है ये, तो क्लास 10 का बच्चा भी बोल देगा। PC ओवर हाँ साइन लेंगे सर, पी सी ओवर सी ए, या सी ए ओवर पी सी करेंगे, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस साइन 30। और साइन 30 का वैल्यू कितना होता है? तो वन अपॉन टू आप बोलोगे सर कि चाहिए क्या पी सी, तो पी सी को क्या हो जाएगा 2 CA, और सी ए का वैल्यू हमने ऑलरेडी देख रखा था, कितना था सी ए का वैल्यू? सी ए रूट सिक्स था, तो इट विल बी 2 रूट 6। किसका वैल्यू? पी सी का वैल्यू। तो टोटल आपका कितना आ जाएगा अगर हम बोलेंगे तो 2 रूट ओवर ऑफ 6। अब मुझे चाहिए क्या था? इक्वेशन। तो मैं क्या कर दूंगा, फाइनली इसको बस बैठा दूंगा, और सेंटर भी मालूम है मुझे, तो इक्वेशन बन जाएगा एक्स, सेंटर क्या था? माइनस वन माइनस टू, तो ये बनेगा एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस टू का होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या बनेगा? रेडियस। रेडियस क्या आया है? पी दोस्तों सी, तो 2 रूट 6 का होल स्क्वायर, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सॉरी प्लस 2x + 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस ये वाला आ जाएगा 4y + 4 इक्वल्स टू 4 × 6, ये कितना बन जाएगा? प्लस वन
प्लस 4 माइनस 24 इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4y, तो ये वाला कितना आ जाएगा, -20 एंड +1 -19 इक्वल्स टू 0, दिस इज द आंसर। तो आप बोलो कौन सा वाला होगा ऑप्शन में, इधर एक 90 है इधर एक 90 है, तो आप देखो इनमें से कौन सा आ रहा है, -90 कौन सा वाला में है, दिस इज द आंसर आई होप। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2x 4y -19, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2x 4y -19 है, ठीक है। क्वेश्चन समझ आया सबको, एक बार देख लो चाहो तो, फिर हम जाएंगे दूसरे टॉपिक पे। क्वेश्चन अच्छा था, देखो ये वाला डायरेक्ट आपका क्या नहीं था, डायरेक्ट सर्कल वाला चीज डायरेक्ट नहीं था, बट समथिंग लाइक दैट, डायरेक्ट सर्कल में 90 डिग्री हुआ था, इसमें 60 डिग्री दे दिया था, तो भी हम कर सकते हैं। कुछ और भी देगा स्टैंडर्ड एंगल्स, मतलब जिसका आपको वैल्यू वालू है, जैसे कि 30, 60, 45, 90, ये सबका, ठीक है। बोलो बेटा समझ आया कि नहीं सर, ठीक है, फिर हम स्टार्ट करेंगे आज का टॉपिक। लेंथ ऑफ टेंजेंट एंड पावर ऑफ पॉइंट, होता क्या है, लेंथ ऑफ टेंजेंट से तो मालूम पड़ रहा है कि टेंजेंट का लेंथ होगा, तो मान लेते हैं कि आपके पास एक सर्कल है ऐसे, और आप एक्सटर्नल कोई भी एक पॉइंट पी से क्या कर दे रहे हो, ऐसे टेंजेंट ड्रॉ कर दे रहे हो आप, ठीक है। तो अगर ऐसे करोगे तो मान लो ये वाला आपका सेंटर है, ठीक है, रेडियस हो जाएगा। तो एक चीज देखो, ये वाला तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाला 90 डिग्री पे गिरेगा, राइट, और इन दोनों को अगर आप ऐसे ऐड कर दोगे तो आप चीज देखो, ये वाला सेंटर मान लो आपका 0,0 में है, और ये वाला पॉइंट जो है P मान लो आपका x1, y1 पे है, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट का मतलब क्या हो जाएगा, मेरा मेरा मतलब है कि इस वाला पॉइंट से, कौन सा वाला, ये वाला पॉइंट से लेके ये वाला पॉइंट तक, यही है आपका लेंथ ऑफ टेंजेंट, जिसको हम L से लिखेंगे, बात समझ आ रहा है कि लेंथ ऑफ टेंजेंट किसको बोल रहा है, जिस पॉइंट से ड्रॉ कर रहे हैं टिल जो वाला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक जा रहा है उसका लेंथ। अब एक चीज सोचो इसमें कि आपका जो इक्वेशन था, मान लेते हैं ये वाला 0,0 है, मतलब इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या होगा, x² + y² = r², राइट, आया ना, बोलो। अब देखो हम ले रहे हैं क्या कि ये वाला सी के, इसका नाम देते हैं कुछ ए पी, इसका टी देते हैं, चलो तो सी टी का वैल्यू आप मान लेते हो आर, क्योंकि रेडियस है ना, सी टी का वैल्यू सी टी इक्वल्स टू आर है, और ये वाला लेंथ तो आपने एल ले लिया है, तो हम क्या बोल सकते हैं, ये वाला पॉइंट 0,0 है और ये वाला x1, y1 है, तो PC कैसे निकालेंगे हम, अंडर रूट x1 - 0² - y1 - 0² तो PC क्या बन जाएगा, अंडर रूट ऑफ x² + y² मतलब इसका वैल्यू हो जा रहा है आपका अंडर रूट x² + y² समझ आया कि नहीं सर, सॉरी x1 y1 not x y x y x1 y1, ठीक है। तो आप एक चीज देखो इसमें,
ये तो आपका जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल पी सी टी, ये आपका 90 डिग्री वाला है क्योंकि राइट एंगल है. ट्रायंगल पी सी टी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल. हाँ या ना बोलो. देखो तो पाइथागोरस अप्लाई ना होगा तो सी टी स्क्वायर प्लस पी टी स्क्वायर इक्वल्स टू पी सी स्क्वायर होगा ना. सी टी स्क्वायर प्लस पी टी स्क्वायर इक्वल्स टू सी टी पी टी इक्वल्स टू पी सी. समझ आया कि नहीं? फिर सर यस सर बैठा दो इसको भाई. सी टी का वैल्यू कितना था सर? आर. पी टी का वैल्यू कितना था? एल. पर पी सी एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा. रूटो बढ़ता तो कैंसिल आउट. सो एल स्क्वायर बन जाएगा एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर. एल बन जाएगा अंडर रूट ऑफ एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर. और यही तो एल था आपका क्या? लेंथ ऑफ टेंजेंट. मतलब ये वाला वैल्यू हो जा रहा है सर. माइनस स्क्वायर. समझ आया? सर अच्छे से देख लो एक बार, सिर्फ बहुत सारे बोलने से नहीं बनेगा काम. समझना है नहीं तो फायदा नहीं है कुछ. किसी को कोई डाउट है तो बोलो. हमने देखा पहले कि लेंथ ऑफ टेंजेंट होता क्या है, एंड देन हमने देखा कि इसका लेंथ कैसे निकालते हैं. समझ आया? बोलो बेटा. ठीक है, इसमें एक इनसाइट है. देखो ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखने का जरूरी नहीं पड़ेगा, जरूरत नहीं पड़ेगा. क्यों? अगर आप गौर से देखोगे ना, आपको एक चीज पता चल रहा है. ये वाला लेंथ ऑफ टेंजेंट किसके लिए निकाला है हमने? ये वाला सर्कल के लिए निकाला ना. अब देखो एक चीज, सर्कल का इक्वेशन क्या था? फिर से एक नोटिस करो ये वाला चीज को. ये वाला सर्कल का इक्वेशन था और लेंथ ऑफ टेंजेंट कितना आया है? मतलब हम बोल सकते हैं ना कि अगर आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वेशन को ऐसे लिख दो, ये टोटल इक्वेशन को आप एक्सप्रेशन को मान लो एस, आप जिस पॉइंट से ले रहे हो, कौन सा पॉइंट से लिया था हमने पी, जिस पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक्स वन है वाई वन, तो आप इस टोटल एक्सप्रेशन को अगर एस मान लोगे, आप क्या बोल सकते हो एल का वैल्यू कितना होगा? अंडर रूट ऑफ, यही वाले में क्या कर रहे हैं हम? देखो यही वाला इक्वेशन, जो वाला सर्कल का इक्वेशन था, ये देखो सर्कल का इक्वेशन जो था, उसी सर्कल का इक्वेशन में हम क्या कर रहे हैं? डायरेक्ट वो वाला पॉइंट जिस पॉइंट से हम क्या ड्रॉ कर रहे थे टेंजेंट, वो वाला पॉइंट को बैठा रहे और वही विद इन रूट आ जा रहा है. मतलब मैं बोल सकता हूँ कि इसमें अगर वन बैठा दू और एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बन जाएगा तो अंडर रूट ऑफ एस वन. तो सिर्फ ये वाला चीज याद रखने से ही मेरा बात बन जा रहा है. बात समझ आया मेरा? एक यस छोटा सर एग्जाम्पल दिखाता हूँ तो अच्छे से समझ आ जाएगा कि आपको बोल रहे हैं हम कि आपको निकालना क्या है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स इक्वल्स टू फोर मान लेते हैं. चलो इसका क्या निकालना है आपको? लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम कोई भी एक लाइन मान लो 2,3, लाइन नहीं पॉइंट. तो आप क्या करोगे? मैंने बोला पहले कि सबको एक साइड लाओ, तो ये बनेगा सर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस फोर इक्वल्स टू जीरो. बन गया. यही वाला एक्सप्रेशन मेरा क्या है सर? एस है. इसी में मैं क्या बैठाऊंगा? इस वैल्यू को बैठाऊंगा. तो आप बैठाओगे तो एक्स का हो जाएगा आपका 2 स्क्वायर, वाई का हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 2 × x का वैल्यू 2 − 4. कितना आएगा? 2 स्क्वायर आएगा 4, 3 स्क्वायर आएगा आपका 9, 2 × 2 = 4 + 4 − 4 = 0. मतलब 13 आ जा रहा है. तो मैं बोल सकता हूँ ना लेंथ ऑफ टेंजेंट आएगा अंडर रूट ऑफ यही वाला वैल्यू, मतलब 13. बात खत्म. समझ आया? यस सर कि आपको जो इक्वेशन दिया जाएगा उसी इक्वेशन को टोटल जितने भी कंपोनेंट्स हैं सबको एक साइड में लाओ और उसमें आप क्या बैठाओगे? उस एक्सप्रेशन को अगर एस मानोगे तो उसी एक्सप्रेशन में आपको वो वाला पॉइंट बैठा देना है जो वाला पॉइंट से आप क्या ड्रॉ कर रहे हो टेंजेंट को, और वही वाला वैल्यू अंडर रूट में आ जाएगा लेंथ ऑफ द टेंजेंट. हाँ या ना बोलो. क्लियर हुआ बात? यस सर यस सर ठीक है.
यही था आपका लेंथ ऑफ टेंजेंट वाला चीज। अब दूसरा क्या था, पावर ऑफ पॉइंट। अच्छा अब देखते हैं क्या चीज है। ये एक्चुअल में है क्या? आपके क्लास 10th में एक चीज पढ़ाया जाता था, किस किस को याद है मुझे मालूम नहीं, एक बार बोल दूंगा नहीं तो, कि अगर आपका कोई एक्सटर्नल पॉइंट P है मान लो, और इधर से आप दो टेंजेंट, मतलब एक टेंजेंट तो ऐसे ले रहे हो, ये वाला टेंजेंट लाइन हो रहा है, और एक इंटरसेक्टिंग लाइन लेंगे, मतलब ऐसा कुछ। ऐसा कुछ ठीक है। तो अगर मान लेंगे ये वाला P है, दिस इज P, ये वाला आपका पॉइंट जो है इसका नाम ये दे दो, इसका नाम आप ये बाहर भी जा रहा है मान लो, ये वाला P है एंड ये वाला पॉइंट आपका T हो जा रहा है, दिस इज द पॉइंट T। तो आपका जो पावर ऑफ पॉइंट, मतलब पावर ऑफ पॉइंट का डेफिनेशन है, मतलब पावर ऑफ पॉइंट, ये बेसिकली होता क्या है, ये बेसिकली ये वाला जो लेंथ है पी ए, और ये वाला जो आपका टोटल लेंथ है, मतलब मैं बोलूंगा इधर से लेके इधर तक, मतलब पी से लेके ए का, ये वाला पॉइंट ए देते हैं नाम, ए तक का, अरे यार दिस इज पॉइंट ए, अंदर लिख देते हैं ठीक है। तो पी से लेके ए तक का और पी से लेके बी तक का टोटल जो डिस्टेंस है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, मतलब पावर ऑफ पॉइंट क्या बन जा रहा है, दिस इज इक्वल्स टू पी ए इंटू पी बी। बात समझ आया कि अगर आप एक इंटरसेक्टिंग लाइन लोगे तो वो वाला बाहर पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक और पी से लेके टोटल का डिस्टेंस, इन दोनों डिस्टेंस का मल्टीप्लीकेशन ही हो जाता है पावर ऑफ पॉइंट। सर तो इसको निकालेंगे कैसे? अब इसका एक क्या था, इसका एक क्लास 10th में थ्योरम था कि बेटा अगर ऐसे होता है और ए पॉइंट से अगर आप एक्सटर्नली एक टेंजेंट लोगे तो आपका जो पी ए इंटू पी बी बनता है, दिस इज इक्वल्स टू पी टी स्क्वायर। अगर किसी किसी को याद नहीं है तो आप एक बार क्लास 10th का सर्कल वाला चैप्टर ओपन करके देखना, उसमें आपको ये वाला थ्योरम मिल जाएगा। मतलब सर मुझे इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन चाहिए तो दिस इज इक्वल्स टू क्या कर दूंगा मैं, पी टी का होल स्क्वायर कर दूंगा। और पी टी मतलब क्या, यही तो एल है ना, लेंथ ऑफ द टेंजेंट। मतलब मैं बोल सकता हूँ ना कि पी ए इंटू पी बी दिस इज इक्वल्स टू पावर ऑफ इतना पॉइंट, और यही तो मेरा पी टी स्क्वायर, और पी टी का वैल्यू एल है तो दिस इज इक्वल्स टू एल स्क्वायर। और मैं देख रहा था ना एल का वैल्यू था रूट ओवर ऑफ कितना था, एस वन था, तो मैं बोल सकता हूँ ना ये वाला बन जाएगा सर रूट ओवर ऑफ एस वन का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू सिर्फ एस वन। हाँ या ना बोलो, बात सर समझ आ रहा है? तो मतलब पावर ऑफ पॉइंट का फंडा क्या रहा कि आप एक पॉइंट से क्या ड्रॉ कर रहे हो, इंटरसेक्टिंग लाइन ड्रॉ कर रहे हो। तो इंटरसेक्टिंग लाइन अगर ड्रॉ करेंगे तो इन दो डिस्टेंस का जो मल्टीप्लीकेशन, दिस इज कॉल्ड पावर ऑफ पॉइंट। और यही दो डिस्टेंस का मल्टीप्लीकेशन होता है, वही पॉइंट से अगर हम एक्सटर्नली एक क्या करें, एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो उस टेंजेंट का लेंथ का स्क्वायर के इक्वल हो जाता है। तो उससे हमने ये वाला रिलेशन निकाल लिया है। तो इसका एक प्रॉब्लम देखेंगे, समझ आया कि नहीं, पहले एक बार देख लो फिर इसका एक प्रॉब्लम भी देख लो, ये वाला और दूसरा ये वाला भी। कौन सा वाला, लेंथ ऑफ टेंजेंट, दोनों में ही किसी को कोई डाउट है तो मुझे पूछो। ठीक है यस देख लो, किसी को अगर कुछ डाउट है बेटा तो पूछ सकते हो। किसी को डाउट है बेटा कोई? ठीक नो सर चलो फिर प्रॉब्लम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आई गेस 3 होगा। बोल क्या रहा है कि इफ द टेंजेंट
एट द पॉइंट पी ऑन द सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस सिक्स वाई इक्वल्स टू टू मीट्स ए स्ट्रेट लाइन फाइव एक्स माइनस टू वाई प्लस सिक्स इक्वल्स टू जीरो एट ए पॉइंट क्यू ऑन द वाई एक्सिस Then the length of PQ is options are 4, 2 root 5, 5, 5 root 5. पहले देखो क्वेश्चन बोल क्या रहा है. क्वेश्चन बोल रहा है इफ द टेंजेंट एट ए पॉइंट पी ऑन द सर्कल दिस, मतलब इस सर्कल के ऊपर एक टेंजेंट हमने ड्रॉ किया एट द पॉइंट पी, पी पॉइंट से, ठीक है. नहीं नहीं इफ द टेंजेंट एट द पॉइंट, अच्छा पी जो पॉइंट है वो सर्कल के ऊपर ही कोई पॉइंट है उस पे हम टेंजेंट ड्रॉ कर लिए. मीट से स्ट्रेट लाइन फाइव एक्स माइनस जो भी है, मतलब एक स्ट्रेट लाइन को मीट कर रहा है ये वाला एट ए पॉइंट क्यू, मतलब क्यू पॉइंट पे ये वाला जो टेंजेंट है वो मीट कर रहा है एक स्ट्रेट लाइन को, और वो स्ट्रेट लाइन ऑन द वाई एक्सिस है, मतलब वो पॉइंट जो है क्यू वो ऑन द वाई एक्सिस हो जा रहा है. देन द लेंथ ऑफ पी क्यू, अच्छा तो डायग्राम पहले समझते हैं, ठीक है, नहीं तो क्वेश्चन ही कर नहीं पाएंगे. पहले हम मान लेते ये वाला एक सर्कल है, इधर जाएगा नहीं होगा, चलिए इधर ही कर लेते, ये वाला सर्कल है एक, और पहले क्या करेंगे एक टेंजेंट ड्रॉ कर लेंगे हम लोग. तो मान लो ये वाला एक टेंजेंट है, और ये वाला जो टेंजेंट है ये P पॉइंट पे है, मतलब दिस इज द पॉइंट P. ये वाला पॉइंट जो है, ये वाला जो पॉइंट है आपका, ये वाला पॉइंट आपका P पॉइंट है, ठीक है. और क्या बोल रहा है कि यही जो P पॉइंट है इस सर्किट के ऊपर मीट से स्ट्रेट लाइन दिस, अच्छा एक स्ट्रेट लाइन को मीट कर रहा है, मतलब मान लो आपका कोई और एक स्ट्रेट लाइन है, इसको इसके थ्रू जाना पड़ेगा, मतलब हम ले लेते हैं व्हाइट कलर का, चलो कि ये वाला स्ट्रेट लाइन है, और इसका इक्वेशन भी आपको दे दिया गया है. क्या है इक्वेशन? 5x माइनस 2y प्लस 6. इसका इक्वेशन है 5x माइनस 2y प्लस 6 इक्वल्स टू 0. ये कहां कर रहा है? पॉइंट Q पर. और क्या बोल दिया है? Q ऑन द y एक्सिस, मतलब ये Q जो पॉइंट है ये एक्चुअल में y एक्सिस के ऊपर है, मतलब हम बोल सकते हैं कि ये वाला जो एक्सिस है इधर का, ये वाला आपका वाई एक्सिस बन जाएगा, मतलब ये वाला आपका जो एक्सिस होगा दिस इज योर वाई एक्सिस. तो क्वेश्चन फाइनली क्या पूछ रहा है? देन लेंथ ऑफ पी क्यू, मतलब पी क्यू, अच्छा मुझे ये वाला पी क्यू मतलब एल हो जा रहा है ना ये वाला, आप देखो इधर से लेके ये वाला डिस्टेंस निकालना पड़ेगा लेंथ ऑफ PQ. क्वेश्चन देखो समझ आया कि नहीं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये वाला डायग्राम समझ आया कि नहीं, देख रही है, सॉरी. हाँ तो देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डायग्राम समझ आ रहा है या नहीं, कि एक सर्कल है उसको हमने क्या किया एक पर्टिकुलर पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किया पॉइंट पी पे, और वो ही टेंजेंट एक स्ट्रेट लाइन को भी कट कर रहा है क्यू पॉइंट पे, और वो क्यू पॉइंट जो है वो ऑन द वाई एक्सिस है, तो आपको पी क्यू निकालना है. क्वेश्चन समझ आया? बोलो बेटा. अब देखो आपके पास ऑलरेडी स्ट्रेट साइकिल का कोई इक्वेशन दिया है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर सिक्स एक्स सिक्स वाई टू, तो मैं साइकिल का इक्वेशन लिख लेता हूँ कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस सिक्स वाई माइनस टू इक्वल टू जीरो. दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल. हाँ या ना बोलो? यस सर. अब देखो डायरेक्ट हम इससे ही निकाल लेते हैं, ये वाला एल है ना, बट मुझे तो ये पॉइंट ही मालूम नहीं है जिस पॉइंट से, मतलब मान लो ये पॉइंट से हम ड्रॉ कर रहे हैं, तो मुझे क्यू या पी में से कोई एक पॉइंट चाहिए, बट हम तो जानते नहीं है, बट हम कैसे निकालेंगे फिर?
अब एक चीज देखो, क्यू जो है ये ऑन द वाई एक्सिस है, तो इसका इक्वेशन मतलब इसका पॉइंट कैसा होगा दिखने में? ये ऑन द वाई एक्सिस है तो पॉइंट कैसे होगा? 0 कॉमा समथिंग। हाँ, 0 कॉमा समथिंग, तो मैं बोल सकता हूँ कि ये 0 कॉमा कुछ होगा, और ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन में अगर हम एक्स का वैल्यू 0 बैठा देंगे तो यही पॉइंट मिल जाएगा ना, तो एक्स इक्वल टू 0 बैठाते हैं इसमें तो क्या आ जाएगा इसमें? अच्छा पेज खत्म हो गया, 1 मिनट। तो देख लो आप, ये वाला जो है एक्स अगर 0 बैठा देंगे हम तो क्या हो जाएगा? -2y+6=0, सो y=3 बन जा रहा है, मतलब ये वाला पॉइंट 0,3 है। हाँ या ना बोलो। तो हम मान यस सकते हैं ना कि सर। 0,3 से हम ये वाला टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, तो मुझे एल का वैल्यू चाहिए। तो क्या था फॉर्मूला कि एल क्या होता है सर? वो रूट ओवर के अंदर में यही एक्सप्रेशन को बैठाना पड़ता है, किस पॉइंट के लिए? जिस पॉइंट से हम ड्रॉ कर रहे हैं। तो आप इसी जिसको लिख लो, x²+y²+6x+6y-2, और यही वाला पॉइंट को आप क्या कर दोगे? यही वाला जो पॉइंट है 0,3, इसको बैठाओगे तो क्या आ जाएगा? √0y², ये 0, 6 3 18 -2, तो आपका कितना आ जा रहा है इधर से? 9 18 18 -2 16 9 2 25, तो एल कितना आएगा? 5। ऑप्शन में था ना 5। समझ आया क्वेश्चन? डायग्राम बना लोगे ना, समझ आया? क्वेश्चन पढ़ के समझ नहीं आ सकता कभी कभी, क्योंकि क्वेश्चन था ही ऐसा, तो बट अगर डायग्राम बना लोगे तो आपको चीज दिखने लगेगा कि हाँ ये वाला ये पॉइंट है, इस पॉइंट से मुझे ये वाला का डिस्टेंस निकालना है जो कि एक्चुअल में एल हो जा रहा है, तो यूजिंग दिस हम निकाल सकते हैं। बात समझ आया? यस यस सर। ठीक है, तो ठीक है चलो, एक होमवर्क दे रहे हैं, और आज ही तो आपका एग्जाम से पहले का आज ही लास्ट क्लास है, आई होप अगर क्लास होगा तो अपडेट आपको मिल जाएगा। एक होमवर्क दे रहा हूँ, विनती है कि सबने बना के भेजना है एग्जाम के बाद या पहले, जो भी मन में चाहे, बट हाँ एग्जाम के बाद सभी लोग को मैं बार बार बोलूंगा थोड़ा अच्छे से रिवाइज करो कॉनिक्स, नहीं तो बाद में फंसोगे। पहले भी बोल चुका हूँ, फिर से बोल रहा हूँ, बार बार बोलूंगा, ठीक है? चलो होमवर्क देते हैं आप लोग को। बोल क्या रहा है कि यार, द लोकस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम व्हिच द लेंथ of the tangent to the circle x²+y²-2x-4y+4=0 is 3 units is, and the options are x²+y²-2x-4y-9=0, x²+y²-2x-4y-3=0, x²+y²-2x-4y-4=0, and x²+y²-2x-4y-5=0। ठीक है, ये वाला सबने ट्राई करना है। बात समझ आया या नहीं? यस यस सर। यस सर। ठीक है, चलो फिर।